नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम हेमंत है और मैं वाटरप्रूफिंग एप्लीकेटर हूं। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो एक गुरुदेव नगर कटोरा रोड पर स्थित एक हमारे अग्रवाल सर की साइट है जिसका हम लोग फ्लोरिंग कर रहे हैं। ये फ्लोरिंग जो है इसे हम लोग टेक्निकली लैंग्वेज में खड़ी काम IPS कहते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे जो दो मिस्त्री है वो किस तरह इस पर वर्किंग कर रहे हैं। तो खड़ी काम IPS के पहले हमने यहाँ पर एक नेट केमिकल कोटिंग का प्रोसेस किया था। जैसे आपको मैं बताता हूँ, सरफेस इसमें आपको दिख रहा होगा, एक नेट का हमने पहले वाटरप्रूफिंग केमिकल जो हमारा SBR है, जो SBR जो मैं यूज़ करता हूँ वो ZelCross इंटरनेशनल कंपनी का डायरेक्ट कंपनी से मटेरियल बुलाता हूँ। और ये 57% सॉलिड कंटेनर है, मटेरियल बहुत अच्छा है। और इस केमिकल के अंदर मैं सीमेंट का मिक्सचर करके फिर उसका कोटिंग करता हूँ जाली के साथ। ये देखिए आप, जाली मैं आपको बताता हूँ घूम करके कि जाली कैसे लगती है। ये देखिए, हमने पहले जाली का कोट किया हुआ है, ठीक है। अब जाली का कोट होने के बाद में हमने इसमें रेती और जो चूरी है इस तरह के मिश्रण हम लोग गच्चे पे मटेरियल के लिए डालते हैं। और मटेरियल डालने के बाद में फिर हमने इसके ऊपर में पूरा स्लोपिंग निकाला हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह मेरा स्लोपिंग निकला हुआ है। अभी हम लोग इस पर घुटाई कर रहे हैं। तो घुटाई जो होता है जनरली इसको हम लोग टेक्निकली लैंग्वेज में IPS बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि IPS है। अब ये जो सरफेस है ये बरसात का मौसम है, देख लीजिए पूरा बादल आए हुए हैं, पानी आ चुका था। पानी आने के वजह से मेरा जो सरफेस है वो पूरा बह चुका था। तो टेक्निकली हम लोग सूखा सीमेंट यूज़ नहीं करते घुटाई में, बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस के लिए मैंने सूखा सीमेंट थोड़ा सा उड़ाया हुआ है ताकि जो फ्लोर है वो जल्दी सूखे, कड़क हो और उसकी स्ट्रेंथ बने। वैसे टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो सूखा सीमेंट नहीं उड़ाना चाहिए। मैं पहले सीमेंट का पानी बनाता हूँ इस तरह का, और फिर सीमेंट के पानी को मेरा जो IPS है उस पर मैं ये डालता हूँ, उसकी फंटी से घुटाई करता हूँ। कम से कम 3 से 4 बार मैं फंटी घुमाता हूँ और उसके बाद में फिर इस तरह का ऊपर का फ्लोरिंग सरफेस चिकना करता हूँ। इसका बेनिफिट ये मिलता है सूखा सीमेंट नहीं उड़ाने से, आपका फ्लोर जल्दी क्रैक नहीं मारता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। और दूसरी बात यह है कि कई सारे बेनिफिट्स है सूखा सीमेंट नहीं उड़ाने के। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने सूखा उड़ाया वो थोड़ा सा एक नॉमिनल बेसिस पे उड़ाया हुआ है ताकि बरसात का जो पानी है वो सीमेंट ऑब्जर्व कर ले और बाद में फिर वो घुटाई अच्छी हो। तो अगर आपको इस तरह की किसी तरह की वाटरप्रूफिंग करवाना हो तो हमसे संपर्क करिए। हमारा जो नंबर है वो 90-28-36-58-11 है, और हमारा जो ऑफिसेस है वो अमरावती में है चंदन एजेंसीज के नाम से। वहाँ पर हम लोग कई लोगों को निशुल्क मार्गदर्शन करते हैं वाटरप्रूफिंग के रिगार्डिंग, और कई लोगों को हम लोग केमिकल भी सप्लाई करते हैं। अगर आपका कोई एप्लीकेटर है जो काम करता है लेकिन आपको केमिकल का रिक्वायरमेंट है तो आप हमें केमिकल के लिए भी इंक्वायरी ले सकते हैं, हम आपको केमिकल दे देंगे। धन्यवाद।